ग्रीटिंग्स ऑफ द डे आई है गुप्ता वेलकम यू ऑल इन टूडेज सेशन आई हैव गिवन यूर वर्क इट फॉर द मोशन सो आई विल डिस्कस द आंसर ओवर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ आपकी बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के अला मूव करती है फाइंड द डिसमेंट ऑफ द बॉडी वेन इट कम्प्लीट हाफ अ रेवोल्यूशन वो जब हाफ रेवोल्यूशन कम्पलीट करती है तो वो कितना कितना डिसप्लेसमेंट मूव करती है आपको पता है कि सर्कुलर ट्रैक होगा पूरा एक सर्कल होगा तो वहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी बट हाफ में क्या होगा दिस वन इज आर एंड दिस वन इज अगेन आर दैट इज टू आर दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ एन एथलीट इफ़ ही टेक्स टाइम टी आपको स्पीड का एक्सप्रेशन देना है इफ़ इट टेक्स टाइम टी अराउंड अ सर्कुलर ऑफ ट्रैक ट्रैक कैसा सर्कुलर है रेडियस क्या है आपकी आर सो आप क्या यूज करेंगे बिलॉस टू पाई आर अपॉन टी टू पाई आर अपॉन टी टू पाई आर इज योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यू के से इट एंड टाइम इज योर टी ना वॉट अ चीता कैन एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट एट फोर मीटर पर सेकेंड स्कोर आपको चीता है उसकी एक्सलेशन फोर मीटर पर सेकेंड स्कोर है बट स्टार्टिंग का से उसकी रेस्ट से है ना वॉट विल बी द व अटेंड बाई इन टेन सेकेंड्स टेन सेकेंड्स में कितने विलासट्री अटेंड करेगा टाइम इज टेन सेकेंड्स रेस से स्टार्ट हो रहा है सो यू इज़ जीरो एंड टाइम इज टेन सेकेंड्स ए इज़ फोर मीटर पर सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट वी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कीजिए दैट इज़ वी माइनस यू इक्वल्स टू एटी सॉल्व करके आपके ऊपर विलॉस होगी फोर्टी मीटर पर सेकेंड नाफ हाउ फार इट ट्रेवल्स इन दिस सिशन कितनी दूर जाता है दैट इज डिस्टेंस निकालना है आपको सो यू विल यूज़ अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके ऊपर डिपेंड करता है बट मैंने यहाँ पर थर्ड से निकाला है दैट इज वी माइन वी स्क्र माइनस यू स्कोर इक्ल टू एस आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा टू हंड्रेड मीटर दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एक बॉडी वो टेन मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म अगर मोशन यूनिफॉर्म है उसकी वेलोसिटी टेन सेकेंड के बाद कितनी होगी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव है तो उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी दैट इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेन मीटर पर सेकेंड इन अ लॉन्ग डिस्टेंसेज आप एक रेस में दौड़ रहे हैं द एथलीट्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक फोर राउंड्स कितने राउंड्स ले रहे हैं फोर राउंड्स सच दैट द लाइन ऑफ फिनिश वो सेम एस लाइन ऑफ स्टार्ट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम सपोज लेंथ ऑफ द ट्रैक वॉस टू हंड्रेड मीटर लेंथ कितनी है टू हंड्रेड मीटर की है ना वॉट इज द टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस फोर राउंड्स लिए तो फोर इंटू टू हंड्रेड तो एट हंड्रेड मीटर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी फिनिश लाइन पर दट इज जीरो बिकॉज उसका स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन दो सेम है इस द मोशन ऑफ द एथलीट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज कहीं पर वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा रेस कर रहा वो कहीं पर कम स्पीड से बट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इज द डिसमेंट ऑफ एन एथलीट एंड बाई हिम एट द एंड ऑफ द रेस इक्वल क्या डिसप्लेसमेंट इन डिस्टेंस एंड में सेम तो है नहीं डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम है आपकी बट डिस्टेंस तो आपका एट हंड्रेड मीटर आया तो इसके इसका आंसर नो है नॉ नेक्स्ट

हैप्पनस का स्क्वायर सॉल्व किया के पास हैपनस कितना है फाइव किलोमीटर आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई अ बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी एक बॉडी की जीरो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है बट नॉट एवरेज बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैट टाइम मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैन टोटल टाइम टेकन वेन यू टॉक अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट

एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है एक्स मीटर पर सेकेंड बट उसकी वेलोसिटी है वाई मीटर पर सेकेंड सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में एक जगह स्पीड है एक जगह वेलोसिटी विलासिटी है क्या सिमिलैरिटी है दैट इट हैज द सेम ऐसा यूनिट आप स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें दोनों के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर थ्रो करते हो फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप पर थ्रो करते हो अब तो हमेशा वहाँ पर फाइनल लॉस से जीरो होते बिकॉज एक हाइट पर पहुँचने के बाद उसकी स्पीड ज़ीरो होगी तभी वो नीचे आना स्टार्ट करेगा तो डैट वाइज इन दिस केस वी इज़ ज़ीरो नाव इट रीचिज इट्स मैक्मम हाइट इन तीन सेकेंड्स कितने टाइम में रीच करते थ्री सेकेंड्स में इफ द एक्सेलेशन होता स्टोन बी एक्सेशन कितने नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्कोयर डायरेक्टली टुवर्ड्स द ग्राउंड ग्राउंड की तरफ आ रही है नाव कैलकुलेट द इनिशियल लॉस से निकालना है आपको यू निकालना है एंड विद विच इट थ्रोन अपवर्ड कितनी स्पीड से आपने से ऊपर थ्रो किया गया दैट मीनस आपको इनिशियल लॉस से निकालना है एंड कितनी हाइट अटेन की गई है यू विल यूज़ अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कैलकुलेट यू नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों सो so, दैट आपको कितनी निकालनी है हाइट हाइट निकालनी दैट इज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सो so, आप ऐसे क्वेश्चन यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज़ करिए एंड अपना डिस्टेंस निकाल लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज

ऐड कर लीजिए दैट इज डिस्टेंस थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर वॉट वॉज इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपके जीरो बिकॉज उसका इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम है अब वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया तो इसलिए उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटो मोबाइल मेजर ऑडोमीटर क्या मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वहीकल कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर कौन सा फास्टर मूव कर रहा है और क्यों आपको जस्टिफाई करना अपना आंसर नाउ अ स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर पर मिनट कितने पे है थ्री हंड्रेड मीटर पर मिनट में है सेकेंड कार है आपका थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर पे है फाइन आपके पास दोनों ही यूनिट्स अलग हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द यूनिट सेम आप मीटर पर सेकेंड में जाइए मीटर पर सेकेंड हमने सॉल्व दी तथी फाइव मीटर पर सेकेंड आया एंड देन आपका टेन मीटर पर सेकेंड आया मैं आपको बता देती हूँ कैसे कन्वर्जन करने हैं एक बार और आपको थ्री हंड्रेड मीटर पर मिनट है मीटर इज़ सेम ओके फाइन नो इशूज़ बट मिनट से सेकेंड में जाना है वन मिनट टू सिक्सटी सेकेंड तो हमने इसको यहाँ पर सिक्सटी सेकेंड से डिवाइड so से करा तो दैट विल कम आउट टू बी फाइव मीटर पर सेकेंड अ कार इज़ मूविंग विदर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ना थर्टी सिक्स किलोमीटर किलोमीटर से मीटर में गए थर्टी सिक्स इंटू थाउजेंड मीटर हो गया आ रहा है वन आवर कुर्सी थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स आया तो दैट हमने यहाँ पे थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकंड पुट कर दिया सॉल्व है टेन मीटर पर सेकेंड ना तो कार कौन सी स्पीड ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर कार क्यों क्योंकि क्यों उसकी स्पीड कितनी है टेन मीटर पर सेकेंड ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ना दिलॉस्ट टाइम ग्राफ दे रखा है आपको ये कैलकुलेट द मैगनीट्यूट ऑफ द डिप्लेसमेंट ऑफ़ द ट्रक इन फ़िफ्टीन सेकेंड फिफ्टी सेकेंड्स दिस इज़ योर टाइम ना एंड दिस इज़ योर विलॉसिटी फाइन आपसे पूछा कितना मैगनीट्यूट मीन्स कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है फ़िफ्टीन सेकेंड्स के अंदर ना दिस इज़ योर डिस्टेंस टाइम एंड दिस इज़ योर डिस्टेंस फर्स्ट फिफ्टीन सेकेंड्स में कितना किया दैट इज़ फिफ्टीन और विलासिटी कितनी है फ़ोर तो so, कितना हो गया सिक्सटी मीटर सिक्सटी मीटर सॉरी सेकेंड सही सिक्सटी मीटर है ये तो विलॉ डिसमेंट कितनी है आपकी सिक्सटी मीटर नाउ ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द जर्नी वो अ ट्रक डिसलेटिंग ट्रक किस टाइम पर डिसलेट करें मीन्स नीचे आ रहा है ग्राफ आपका मतलब फाइनल विलासटी कम है और नीचे लॉसटी ज़्यादा है ऐसा कब हो रहा है यहाँ पर हो रहा है दाइट इज फ्रॉम टाइम पीरियड ट्वेल्व टू फिफ्टीन सेकेंड्स में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको अगर अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे एरिया ऑफ़ फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टांगल एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल आपने सॉल्व किया आपके पास डिस्टेंस सिक्सटी का आ गया और टोटल टाइम कितना हो फिफ्टी सेकेंड्स का हुआ तो एवरेज बिलोस का टोटल डिसप्लेसमेंट अपॉइंटमेंट टोटल टाइम टेकन यहाँ पर हमने टोटल डिसप्लेसमेंट सिक्सटी क्यों लिया है बिकॉज आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है इनिशियल पॉइंट यहाँ आता था और फाइनल पॉइंट यहाँ आया आपका दैट्स वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल डिस्टेंस और टोटल डिसप्लेसमेंट वह है नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विलोसी टाइम ग्राफ है आपके पास कार की या पर ग्राफ है विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस दोनों ही सेम प्लेसेस स्टार्ट करती हैं नॉ फ्रॉम द सेम प्लेस एंड मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द एक्सलेन ऑफ द कार बी दिस इज योर कार बी दिस वन बिटवीन टू सेकेंड्स टू फोर सेकेंड दिस इज योर टू एंड दिस इज योर फोर टू सेकेंड पर कितनी स्पीड है ट्वेंटी की फोर सेकेंड पर कितनी स्पीड है सिक्सटी की सो चेंज इन विलासिटी कितनी है सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज फोर्टी कितना टाइम रेट फोर माइनस टू इज टू दैट इज टेन मीटर पर सेकेंड स्कोर एक्सेलरेशन आ द टाइम एट विच बोथ द कार्स हैव द सेम विलासिटी वो कौन सा टाइम है जब दोनों कार्स का सेम कार्समसिटी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज अ टू सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू कार्स ए एंड बी इन एट सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ए ने और कार बी में एट सेकेंड्स के अंदर दैट इज एट सेकेंड्स फाइन नाउ व्हाट यू विल डू कार ए ने थ्री नाइन्टी मीटर एंड कार बी ने थ्री ट्वेंटी मीटर ट्रेवल की कैसे डिस्टेंस अंडर द ग्राफ कार बी का क्या आ रहा है दिस वन ग्राफ हाफ़ बेस इंटू हाइट लगाई गए आप बेस इज योर एट एंड हाइट इज योर एटी हाफ बेस इंटू हाइट का आपने थ्री ट्वेंटी आ गया नाउ कार ए ने कितना किया दिस वन दिस वन सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने ऐड किया तो आपने इसको सॉल्व किया आपके थ्री नाइन्टी मीटर सब दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज वन टू फोर इज योर फर्स्ट पार्ट एंड फोर टू नाइन सेकेंड पार्ट दैट इज रेट एंगल वन एंड वन टू फोर से ट्राइंगल वन आपने इसको सॉल्व करके पास आपका आंसर आ जाएगा सो दोनों कार का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया विच ऑल्सो टू कार हेड आफ्टर एट से एट सेकेंड्स एंड बाई हाउ मच आठ सेकेंड के बाद कौन सी कार आगे होगी कार भी ट्वेंटी मीटर से क्लियर है That's all for today, thank you.